रहता का उल्टा चश्मा। बागा बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा बावरी से। हाँ तो अभी एकदम शांति से आराम से बैठ। हाँ सेठ जी एक मिनट। क्या हुआ? बागा यूं ही बैठा रहेगा तो उसे बावरी की याद आएगी। उससे अच्छा मैं कुछ से कुछ काम दे देता हूँ, काम में बिजी रहेगा तो बावरी की याद नहीं आएगी। अच्छा आइडिया, क्या काम देंगे? देखता हूँ। बागा ये ले अकाउंट्स की फाइल, हिसाब चेक कर ले, सब बराबर है ना? आइए भाई साहब आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे स्पीकर चाहिए। जी जरूर, अब नटू काका स्पीकर दिखाइए इनको। आइए आइए यहाँ पे आइए, ये देखिए बढ़िया वाला स्पीकर है ये। ये बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा ये। ठीक है तो आपके लिए ये चलेगा। ये तो बहुत छोटा है। एक मिनट, ये देखिए मीडियम साइज वाला है, ये बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये? ये भी नहीं चलेगा। और ये तो बड़ा ही है। एक मिनट ठहरिए, ये देखिए ये बहुत चलता है, नया आया, ये चलेगा। देखिए आप देखिए, देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर एक बार चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। कोई भी आपका मनपसंद सॉन्ग बजाओ। कोई भी गाना सुनेंगे अच्छा ही बजेगा, स्पीकर तो बढ़िया ही है। अभी अगर सुनना ही है तो आप कोई तड़कता फड़कता गाना बजाइए। हाँ मुझे यही साइड गाना सुनना है। क्यों? मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए तो स्पीकर खरीद रहा हूँ ताकि ये सब सैड गाने सुन सकूं। हाँ, यही सैड गाने बजा। आपका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पैसा। आपको स्पीकर पसंद है? हाँ जी। अच्छा बस नटू काका फटाफट ये स्पीकर को पहले ऑफ करो, रख दो और बिल बना दो और भाई साहब को फ्रेश नया पीस दे दो। आइए। हाँ दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे चेक करने की जरूरत नहीं, हम सब पीस चेक करके ही रखते हैं। हाँ टेंशन मत लीजिए। ठीक है नटू काका जल्दी बनाए। हाँ सही जी। ये आपका फ्रेश पीस। थैंक यू। फिर आइएगा भाई साहब। ओ भागा अकाउंट चेक हो गया। ये क्या किया भागा? क्या हुआ नटू काका? अरे देखिए ना अकाउंट की फाइल में लिख दिया। ए भागा ये क्या किया तूने? अकाउंट की फाइल में लिख दिया बाउरी जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो इसमें आपको हंसी क्यों आ रही है? अकाउंट की फाइल में सब चित्रमना कर दिया और आप हंस रहे? ठीक है ना सेठ जी। अरे क्या ठीक है? एक मिनट, चिंता मत करिए, कंप्यूटर में सब डाटा सेव है। बागा कस्टमर आए, जरा देख। नहीं नहीं उसको रहने दीजिए, आप देखिए। सेठ जी उसे करने दीजिए, उसका मन थोड़ा डाइवर्ट होगा। आइए भाई साहब भाई, क्या चाहिए आपको? मुझे एक मोबाइल खरीदना है। बागा देख जरा, चल चल बागा चल जल्दी। मुझे अपनी मंगेतर के लिए बढ़िया सा फोन दिखाइए। मंगेतर? ये क्या किया तू? भाई साहब रुको। बागा तूने ये क्या किया? कस्टमर को भगा दिया। मंगेतर? ऐसा नहीं करते बेटा।
सॉरी सॉरी भाई साहब सॉरी। आई आई मैं दिखाता हूँ मोबाइल। देखिए सब मोबाइल इधर ही है। मैं दिखाता हूँ मोबाइल। आई आई मंगेतर तो कौन सा क्या बजट क्या है आपका? आइए मैडम आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे एक अच्छा सा टीवी खरीदना है। जी जी नटू काका, मैडम को टीवी दिखाइए। आइए मैडम आइए आइए। बागा इन्हें अच्छे से टीवी दिखाएगा ना? शाबाश। आइए मैडम। देखिए मैडम ये सब टीवी है। ये अच्छा है। इसका लास्ट कितना हो जाएगा? आपको कितने में चाहिए? मैं अगर 10,000 बोलूंगी तो आप 10,000 में दे दोगे? हाँ तो यही दे दीजिए। आइए। नहीं भाई इतना ज्यादा डिस्काउंट तो मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, थैंक यू। नटू काका इनका टीवी का बिल बना दीजिए। कौन सा टीवी लिया? वो सेकंड रो में बीच वाला। अच्छा वो बहुत बढ़िया टीवी आपने पसंद किया है। पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में। अच्छा अच्छा ये लीजिए 10,000 रुपए। 10,000? लेकिन मैडम उसका प्राइस 25,000 है। पर ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 में दे देंगे। नटू काका हमारी दुकान में कौन सा टीवी 10,000 का है मुझे भी तो बताओ। वो सेकंड रूम में बीच वाला। ये भाई साहब ने कहा था 10,000 में दे देंगे। नहीं नहीं मैडम वो क्या है कि वो आदमी नया है तो उसको सब प्रोडक्ट का भाव मुंह जबानी याद नहीं है, उससे गलती हो गई। दरअसल वो टीवी 25,000 का है लेकिन मैं आपको एक बढ़िया डिस्काउंट दूंगा तो 23,500 में ले जाइए बस। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 रुपए में दे देंगे और अब आप बोल रहे 23,500 नहीं चाहिए मुझे। अरे मैडम नटू काका ये क्या कर रहा है? सेठ जी बावरी का जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा। अरे बावरी का कांटेक्ट तो होता रहेगा, पहले आप इसको घर ले जाइए और सुला दीजिए। घर जाके थोड़ा आराम कर लेगा ना तो कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर दुकान? दुकान मैं संभाल लूंगा, अभी आप बागा को संभालिए। चल आ जा। बेचारा बागा, बावरी को अचानक क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है बावरी ने ऐसा क्यों किया। There is no need to worry. Something is wrong. बावरी का फोन जैसे ही ऑन होगा मैं उससे बात कर लूंगा। नटू काका बावरी जी ने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? अरे मुझे क्या पता मुझसे क्यों पूछ रहे हो। सॉरी क्रॉस कनेक्शन। तो आपको नहीं मुझे पूछ रहा है, आप जाइए। अच्छा ठीक है। बताइए ना नटू काका क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नहीं बेटा तू बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। तो फिर बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? बताइए ना क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तोड़ूंगी तुम्हारा दिल? सॉरी मैडम वो आपसे नहीं मुझसे पूछ रहा है। अरे तो आपने क्यों तोड़ा इसका दिल? अरे मैंने कहाँ तोड़ा उसका दिल? तो फिर किसने तोड़ा है? वो एक लंबी कहानी है। जिस दिन आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी ना टीवी फ्रिज खरीदने उस दिन बताऊंगा। ये लीजिए कार्ड। चल भागा। नटू काका पहले आप मुझे ये बताइए कि बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अरे वो बावरी आएगी तभी पता चलेगा। ये बावरी भी है ना दिमाग खराब कर दिया। एक मिनट नटू काका, चाहे कुछ भी हो जाए आप या कोई भी बावरी जी को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। तू भी गजब का आशिक है, जिसने तेरा दिल तोड़ा उसी से इतना प्यार करता है। बावरी जी ने जो किया
वो उनकी मर्जी है और मैं उनसे प्यार करता हूँ ये मेरी मन मर्जी है। वो भले ही मुझे प्यार करना छोड़ दे लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे प्यार करता रहूंगा। बागा बॉय, योर लव स्टोरी इज द बेस्ट लव स्टोरी। लेकिन ये लव स्टोरी हेट स्टोरी कैसे बन गई? मेरी इस लव स्टोरी में दर्दनाक ट्विस्ट आया कैसे? कोई तो कारण जरूर होगा। वो कारण बाद में ढूंढ लेंगे, पहले घर चल। अरे बागा बेटा, किधर जा रहा है? पता नहीं। ये सब पागलपन छोड़ और घर चल बेटा, चल। दीक्षा, 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 पाद्रण नगर। हाँ हाँ, आइए बैठिए। नहीं नटू काका, मुझे घर नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? भगवान के पास। भागा। मतलब मंदिर, और उनसे जाके पूछना है, बताओ भगवान, बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, नहीं जाना है। भगवान, अरे भागा, भागा। भगवान। भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बावरी जी से ही प्यार किया है, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, कभी उन्हें दुख पहुंचे ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों भगवान, क्यों? बागा बेटा, अब तूने भगवान से बात कर ली है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल अब घर चल। आजा बेटा, आजा, आ, आ, आजा, आजा, बैठ जा इधर, बैठ जा। बागा बेटा, ज्यादा सोच मत, शांति से सो जा। नटू काका, जब दिल ही टूट गया, हम सो के क्या करेंगे? अरे बागा बेटा, सोने से मन को शांति मिलती है। सो जा बेटा, सो जा, सो जा। नहीं नटू काका, सोने से शांति नहीं अशांति मिलती है। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे बावरी जी दिखाई देती है, वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल के मुझसे दूर जा रही है और मेरी आंखें खुल जाती है। बागा, बावरी के बारे में ज्यादा सोच मत। नटू काका, जिसके साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताने के सपने देखे हो, उसी के बारे में ना सोचू, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक बागा, रुक रुक, कहाँ जाना चाहता है? पता नहीं। तो मुझे भी साथ में ले चल। नहीं नटू काका, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज नटू काका। बागा, जीत नहीं करते, चल इधर आ, बैठ जा, गाना बैठ जा। देख बागा, ज्यादा सोच मत। तू एक काम कर, हमारे गांव के बारे में सोच। तू अपने दोस्त कांजी, मंजी, धनजी को याद कर। तू उनके साथ कैसे खेलता था, कैसे मस्ती करता था, वो अपनी मीठी यादों को याद कर, अच्छी नींद आ जाएगी। धनजी, नटू काका, आपको धनजी याद है? वो भी शांता से कितना प्यार करता था, लेकिन उस सांताड़ी ने किसी और के साथ शादी कर ली,
और धनजी गांव छोड़ के चला गया। पर बाद में धनजी वो गोरी मैम के साथ शादी करके गांव वापस आया था ना। लेकिन मुझे किसी गोरी मैम के साथ शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बावरी जी ही चाहिए। टूटू काका, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। तू अपने काका को कितना सताएगा। आजा बेटा, आजा, आजा, बैठ जा, बैठ जा। बेटा एक काम कर, मेरी गोदी में सर रख के सो जा। बेटा अच्छे से नींद आ जाएगी। चलो अच्छा हुआ बागा सो गया, लेकिन उठने के बाद पता नहीं क्या करेगा। अभी बागा के दिमाग का ठिकाना नहीं है, अगर फिर से भाग गया तो कहाँ ढूंढूंगा। उसकी सेफ्टी के लिए घर में ताला लगा देता हूँ। बावरी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह से सब परेशान हो गए हैं। बेचारे सेठ जी, ये बागा की वजह से उन्हें अकेले दुकान संभालनी पड़ रही है। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब किसी का दिल टूटता है तो दिल जले को कहीं चैन कहीं करार नहीं मिलता। ठीक वैसा ही हाल हमारे बागा का हुआ है, और इसी वजह से वो कहीं भाग जाना चाहता है। बेखुदी की हालत में वो कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए नट्टू काका ने दरवाजे पे ताला लगा दिया। पर क्या लगता है आप, क्या एक छोटा सा ताला बागा को रोकने में सफल हो पाएगा? क्या नट्टू काका बागा को संभालने में सफल हो पाएंगे? दोस्तों अगर बागा घर से भाग गया तो उसका सीधा असर जेठालाल पे होगा। पूछिए कैसे। वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओ वो उतना ही ज्यादा उछलती है। दोस्तों बागा की स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी है, और अब बागा उछलेगा, और जब बागा उछलेगा तो उछलेगा जेठालाल, और जब जेठालाल उछलेगा तो आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।